नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो गाइस, आज हम आपको दुनिया का सबसे आसान तरीके से एस लेटर की हेल्प से बिल्ली और खरगोश का चित्र बनाना सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बस आप जल्दी से मार्कर पेपर पेंसिल उठा लीजिएगा और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर आपको एक बड़ा सा एस लेटर लिखना होगा। ऊपर के साइड में छोटी सी लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, नीचे की तरफ एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। अब दोस्तों, नीचे की ही साइड में एक छोटा सा एस लेटर और लिखना होगा। और अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया तो जल्दी से उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिएगा। यहाँ से एक बड़ा सा 3 नंबर लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, यूँ आपको एक बड़ा सा 3 नंबर लिखना होगा। इधर ले जाएंगे और इसको बढ़ाते हुए यहाँ पर लाकर एस के साथ टच करिएगा। यूँ यहाँ पर ऐसे टच कर देंगे और सेम प्रोसेस आप इधर भी रिपीट कर दीजिए। एक बड़ा सा 3 नंबर इधर लिख देंगे, उल्टा 3 नंबर लिखना होगा। यहाँ से बढ़ाते हुए इधर आप ऐसे टच कर दीजिएगा। ऊपर के साइड में एक वी ऐसे लिखेंगे, इधर भी ऐसे कर दीजिएगा। इसको हम करेंगे डबल दोस्तों। और इस साइड हम बनाएंगे खरगोश का चित्र और इधर बनेगा हमारा प्यारा सा बिल्ली का चित्र। इधर ऐसे करेंगे, यहाँ से अंदर की तरफ मिला दीजिए, इसका पूंछ बन जाएगा। और ऊपर के साइड में बड़ा सा ऐसे इसका बना दीजिएगा ईयर। इधर ऐसे ले जाएंगे, यहाँ पर कर दीजिए। अब बीच में दोस्तों इसको कर दीजिएगा आप डबल। और आपसे बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है, अगर आपको पता है खरगोश को खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस साइड से हमें कैट का टेल बना देना है। ऊपर की तरफ ले जाएंगे, यहाँ से ऐसे हल्का सा छोटा छोटा आर्क लगाते हुए इधर मिला दीजिए। मिलाने के बाद आपको बना देना है इस कैट का आई। यहाँ पर ऐसे करेंगे सर्किल, इधर भी आप ऐसे 2 सर्किल बनाइएगा और ऊपर नीचे छोटे छोटे दोनों साइड में आप ऐसे आर्क लगा देंगे। बीच वाला सिरा पेंसिल या मार्कर की हेल्प से आप इसको डार्क कर दीजिए। जब आप डार्क कर लेंगे, छोटा सा ओवल शेप बनाइएगा। यहाँ से ऐसे इधर से यूँ हो जाएगा, छोटा छोटा पॉइंट लगा के इधर आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर ऐसे कर दीजिए और इसका आपको यहाँ पर भी ओवल शेप बनाना है, यूँ ऊपर करना है, ये हो जाएगा। इधर 1, 2, 3 लाइन ड्रॉ करके इसको ऐसे मिला दीजिएगा तो इस रैबिट का टीथ बन जाएगा। टीथ बनाने के बाद दोस्तों इधर छोटी छोटी लाइन, यहाँ पर भी ऊपर के साइड में छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ कर दीजिएगा। इधर कैट के ऊपर के साइड में एक वी लेटर छोटा सा, एक थोड़ा इससे बड़ा, एक और छोटा, एक इससे बड़ा, छोटा बड़ा आप बनाते जाइएगा तो कैट में जो निशान बने रहते हैं वो आपका बनके तैयार हो जाएगा। इधर ऐसे डबल करिए, यहाँ पर ऐसे डबल कर दीजिएगा, नीचे के साइड में भी और इधर भी। देखिए कितनी आसानी से दोस्तों हमारा कैट और रैबिट का चित्र बनके तैयार हो गया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर आप ज़रूर करिएगा।